लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। झांसी की दुर्गा उत्सव महासमिति के महामंत्री विनोद अवस्थी के पुत्र विशाल ने खेल की दुनिया में गुजरात की सूरत में हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर झांसी का नाम किया रोशन। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा मुरैना हेतमपुर रेल खंड के मध्य नव निर्मित तीसरी रेल लाइन का किया गया निरीक्षण व स्पीड ट्रायल। इस दौरान रेल संरक्षा आयुक्त के साथ PED व RVNL अनुराग मुख्यालय ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंजुल माथुर, मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारीगण रहे मौजूद। ललितपुर में NH44 पर सड़क पार कर रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मृत्यु। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बांदा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है, जहां हिंदू राष्ट्र समर्थन यात्रा निकाली गई, जिसमें दर्जनों गाड़ियों के साथ नजर आए बुलडोजर, जो कि हिंदू राष्ट्र समर्थन यात्रा में बरसा रहा था पुष्प। 7 दिवसीय 50वीं खजुराहो नृत्य समारोह का कल भोपाल की जानी मानी नृत्यांगना वी अनुराधा सिंह के कथक के साथ समापन हुआ है, जिस अवसर पर उस्ताद अल्लादीन खां संगीत व कला अकेडमी के निदेशक जयंत माधव विषय ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुरादाबाद जोन के DIG मुनिराज ने नशे को रोकने के लिए सख्त प्लान किए तैयार, साथ ही कहा कि नशे को रोकने के लिए प्रिवेंटिव और अवेयरनेस पर रामपुर पुलिस करेगी सख्ती से काम और अब नशे को बढ़ावा देने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनी प्राइवेट पहली आधुनिक हथियारों की फैक्ट्री अदानी डिफेंस एंड एयरो स्पेस का उद्घाटन किया। वहीं शूटिंग रेंज में उन्होंने हथियारों को हाथ में लेकर गहनता से जानकारी ली, साथ ही ऑटोमेटिक राइफल को हाथ में लेकर गोली भी चलाई।